आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी में पांचवें चरण का चुनाव प्रचार पूरा होने के बाद अब चुनावी संग्राम पूर्वांचल में पहुंच चुका है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चार चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चार चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ चार चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। पांचवें, छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल की जनता को इस पर बहुत बड़ी इमारत को बनाने का काम करना है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान और शौचालय देकर मच्छरों से मुक्ति दिलाई और योगी जी ने माफिया से पूर्वांचल को मुक्ति दिलाने का काम किया। जापानी विभाग लगभग 90% आंकड़े कम हुए हैं और जनपद में पीडियाट्रिक। केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह रविवार को बलिया जिले की बैरिया विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां पर एक सभा को संबोधित किया। अपनी सभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में इस बार डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। साथ ही सभा के दौरान लोगों को भोजपुरी भाषा में भी संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने सभा में लोगों से चुटकी लेते हुए कहा कि कोई कट्टा रख ले, हमको कम में हम बलिया की जनता अब है ना भाई, उत्तर प्रदेश में कट्टा नहीं चलेगा। कट्टा दिखले हुआ एक नहीं दिखले हुआ कह रहे मैंने बलिया हो। अरे हम बलिया के जाना थे आज। अच्छा बाद में हमके कान में बतला दिया। मेरे भाइयों, मैं रक्षा मंत्री हूं इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कई जिलों को हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर के रूप में घोषित कर दिया है और यह संकल्प लिया है। और मैंने तो 209 टैंक, गोले, बारूद, हथियार, मिसाइल, इनकी सूची बना दी है। अब यह सारी चीजें टैंक, मिसाइल, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन अब बनेंगे तो भारत। बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। तुलसीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी दीपांकर सिंह के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका गांधी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में माथा टेका। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी दीपांकर सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। कांग्रेस में तो दम यहाँ बहुत पहले से चल रहा है और प्रियंका जी के आने से वो दम और भी ज्यादा बढ़ गया और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी। आपको क्या लगता है कि आपके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं उनके तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है? अब देखिए, प्रमुख जो प्रतिद्वंदी इसमें कोई नहीं है। कारण ये कि इनका जो काम है, जो सभी लोगों का जनता ने देखा है और इनसे जनता बहुत निराश है और इस बार जो निराश है जनता उसका जवाब देगी जनता। प्रियंका गांधी जी ने आज दो मंदिरों पर दर्शन भी किया, आपको क्या लगता है कि जो हिंदू वोट है, जो ब्राह्मणों का वोट है, वो कम से कम आपके पाले में आ सकेगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी कहीं भी जाते हैं तो पहले मंदिर से शुरुआत करती हैं और यहाँ से शक्तिपीठ है तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी जी आई थी तो उनके रूट मैप में ये बना हुआ था कि हम मंदिर जाएंगे। जबकि मंदिर का मतलब वो जो था 2 से 6 के बीच में खुलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ गई और मत्था टेकी, उसके बाद यहाँ पे। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। बीएसए ग्राउंड पर आयोजित इस जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर मंच से सतीश मिश्रा ने बसपा की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही सपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में सभी जातियों का उत्पीड़न जमकर किया गया है।
कोई कार्ड वार्ड हम लोग नहीं खेल रहे हैं। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है, सबने देखा किस तरह से 500 ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज्यादा उत्पात मचाने का काम किया, वो उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं, किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान हैं और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए डाल रहा है, वो भाईचारा चाहता है कि प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले था वैसे ही फिर कायम हो और यहाँ पर सबकी सरकार अपनी सरकार बने, वो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। गाजीपुर के सैदपुर में सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी सुभाष पासी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने लोगों से विधायक सुभाष पासी के लिए वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। साथ पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, कमल के निशान के साथ है तो आपको हमको कहने में दिक्कत नहीं कि 326वां सीट हमारी सैदपुर की होगी। सुभाष पासी के लिए मैं करीब 5 वर्ष लोगों में चला हूँ। जो लोगों का जोश है वो इतिहास बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो सौभाग्य जगह है उसका स्पीड सुभाष पासी बढ़ा। खबर देवरिया से है जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देने की अपील की। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है और यही युवा इस सरकार को सबक सिखाएगी। फरीदाबाद के हजारों फ्लैट धारकों पर ईडी की तलवार लटकी है। 10 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के नोटिस से हजारों लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि एसआरएस सोसाइटी के बिल्डर अनिल जिंदल पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दर्जनों केस दर्ज हैं। इन्हीं मुकदमों के चलते अनिल जिंदल पिछले काफी दिनों से जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के साथ ही बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, जिसकी चपेट में 1377 फ्लैट धारक भी आ गए हैं। फ्लैट धारकों का कहना है कि अब उनके पास में कोर्ट जाने के ही केवल रास्ता बचा है। उनका कहना है कि इससे पहले भी सोसाइटी पर केनरा बैंक ने अपना मालिकाना हक जताया था, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से स्टे लेना पड़ा, लेकिन एक बार फिर ईडी की तलवार लटकने की वजह से अब उन्हें परेशान और हैरान होना पड़ रहा है। एकदम से बड़ी है, सब लोग टेंशन में है। कल से मेरे फ्रेंड्स का भी कई फोन आ रहे हैं कि क्या किया जाए। अब सब लोग लीगली जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें और कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। कितनी उम्मीद है कि इस नोटिस से बचाव हो जाएगा? अब सर हम लोग तो एकदम सिंसियर ओनर हैं, ITR भी फाइल करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग ने जो लोन लिया उसके अगेंस्ट ITR भी फाइल करते हैं, तो उम्मीद तो पूरी है, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। सर मामला ये है, ईडी ने विदाउट एनी इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना करके हमारे ऊपर चिपका दिया है, जबकि लीगल केस में अगर होता है कोई चीज़ पहले चेक की जाती है। आप 10 दिन का वैकेंट करने का नोटिस दे रहे हैं, उससे पहले चेक तो कीजिए ना, पैसा दिया है, किसने दिया, किसका पैसा यहाँ लगा है। अगर रेजिडेंट इतने सारे हैं, हम लोगों ने अगर SBI से लोन लिया, ICICI से लोन लेकर के यहाँ पैसा दिया है, इसका पैसा लीगल पैसा लगा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो ही नहीं सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात सामने आ रही है वो क्या फ्लैट धारकों पर है या बिल्डर पर था मनी लॉन्ड्रिंग? सर देखिए, जो नोटिस है वो गेट पे, प्रोजेक्ट के गेट पे लगा है, उसमें इंडिविजुअल का अभी नाम नहीं है, बट उसके अंदर ये है कि आप सबको खाली करना है। तो अगर खाली करना तो वो यहाँ प्रोजेक्ट पे क्यों लगाएंगे? आपका वो लगाना है तो आप SRS पे लगा दीजिए, SRS के घर पे लगाइए, उसके ऊपर केस कीजिए या उससे आप रिकवर कीजिए। जो 8 साल पहले पजेशन हो चुका है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं बनता ना। कोई भी बंदा ये बोले आप 8 साल से यहाँ रह रहे हो और 8 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो आप चेक कर लीजिए ना, चेक करके चेक करेंगे। सर इसमें हमारे दो हैं,
सबसे पहले हर बंदा अपने लीगल एस्पेक्ट में जा रहा है, वो काम कर रहा है। हम लोग जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है बंदा इंडिविजुअली हम लोग उसमें केस में अप्रोच कर रहे हैं। सेकंड, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी ईडी के जो भी बड़े अफसर हैं, जो भी अथॉरिटी है इसके अंदर, और सीएमओ पीएमओ इसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो चेक करे जी 1400 लोगों को, 1400 फ्लैट ओनर्स को वैकेंट करवाना छोटी चीज़ नहीं है। इसको सिर्फ हमारे पास पोजिशन है, लेकिन अभी तक हमें वो ओनर ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम केनरा बैंक के साथ फाइट कर रहे थे, आज हम फाइट कर रहे हैं ईडी के साथ में, कल इनकम टैक्स आ जाएगा। एक बार में क्लियर करें जो भी सीएमओ पीएमओ जो भी। खबर रायबरेली से है, जहां घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और खाना बनाती युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और साथ ही गृहस्थी का सारा सामान और 8000 रुपए जलकर राख हो गए। घटना घटी सुबह समय भोजन बनाते समय जी सिलेंडर की पाइप में आग लग गई जी। आग लगने से सिलेंडर जलने लगा, छप्पर छुप्पर सब रख के गरीब आदमी किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे जी। आग लगी, इन्होंने आवाज़ मारी, लोग अगल बगल से दौड़ करके आए, आग किसी तरह काबू नहीं हुई, सब जल करके। बुलंदशहर में घर में सो रहे दंपत्ति को गोली मार दी गई। गोली लगने पर पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को नाजुक हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के बेटे को हिरासत में लिया। मामले को लेकर कहा जा रहा है कि संपत्ति की वजह से हत्या की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। जो बातें सब निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि जो बुजुर्ग ओम प्रकाश सिंह हैं जिनको गोली लगी है और घायल हैं, इनकी द्वारा लगभग 12.5 लाख रुपए में अपना एक गांव का प्लाट बेचा गया था। उसमें से कुछ पैसे से इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति जमीन खरीदी थी, लेकिन शेष पैसे अपने एक बेटे बहू पे खर्च कर रहे थे, जिस बात को लेकर के पड़ोसियों का कहना है कि इनके घर में आए दिन बेटे यतेंद्र और पिता माता में झगड़ा होता रहता था। कल भी गोली लगने के बाद आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हो गए तो घर का दरवाज़ा उसके बाद खोला गया, क्योंकि अन्य कोई रास्ता है नहीं जिससे लोग बाहर जा सकें। तो प्रथम दृष्टया यतेंद्र को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और एक प्रकरण घर के अंदर का आपसी विवाद का। जौनपुर पहुंचकर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बदलापुर विधानसभा में प्रत्याशी रमेश चंद्र मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने कहा कि अपने अंदाज में भगवा रंग चढ़ने लगा है। जनसभा में मनोज तिवारी ने बीजेपी को चुनाव में जिताने का दावा किया है। इसके साथ मंच से सांसद ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा डिंपल यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा रंग को लोहे की जंग कह रहे हैं वो 20% से ज्यादा सोच वाले नहीं हो सकते। वहीं यूपी में काबा का सवाल पर योगी की बखान कर डाला। देखिए सच कहिए तो आज पांचवें चरण का मतदान पूरा होते होते भाजपा बहुमत पा चुकी है। पहली बार आप देखेंगे कहीं भी उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम बैसी जो नाम होता था वो नहीं है। मोदी जी और योगी जी के इस डबल इंजन को हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने दिल में बसाया है और हम जो देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर 325 का 326 भी हो जाए तो भैया तू लोग आश्चर्य मत करिए जा, कहें कि हम जो ने आँख से जोश देखा तनी ओकर कोनो शब्द में वर्णन नहीं हो सकत। उदाहरण आता आपसे क्या लग, क्या हवा लग रहा है? अच्छा, देखिए जमीन भारतीय जनता पार्टी की है, बाकी सब लोग हवा में है। डिंपल यादव कल आई थी, डिंपल यादव उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो बड़ा मगरमच्छ है, लोगों का भविष्य खा जा रही है। भाई देखिए डिंपल जी ने कल तो भगवा रंग को लोहे की जंग बता दिया, तो जो लोहे की जंग से तुलना करता है भगवा रंग की, उसका क्या हमारी संस्कृति सोच और उत्तर प्रदेश के प्रति, जहाँ कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, जहाँ की धरती में माँ विंध्यवासिनी, जहाँ के धरती में करोड़ों देवी देवता, जहाँ की धरती में एक से एक महान विद्वान, वो अगर भगवा रंग को लोहे की जंग समझते हैं तो आप समझ सकते हैं
कि वो 20% से ज्यादा और किसी की पसंद नहीं हो सकती। जया बच्चन का यूपी में सुरक्षा बा, जन जन के रक्षा बा, शासन बड़ी अच्छा बा, गुंडा माफिया लोग के डोजर बा, बाबा के बुलडोजर। खबर अलीगढ़ से है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसल गया और यात्री ट्रेन की सीढ़ियों से फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव वीडियो सामने आया है। आज एक हमारे यहाँ ड्यूटी पे थी लेडी कांस्टेबल प्रिया, वो गाड़ी चेकिंग में थी। उसके द्वारा बताया गया कि सर गाड़ी पे जो है एक आदमी अपना सामान चढ़ा रहा था और चढ़ते हुए वो फिसल गया, जिसको यात्री को बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस जवान द्वारा अपनी सतर्कता से, सजगता से और साहस से उस आदमी को ट्रेन से अंदर जाने से बचाया है। घटना ये हुई थी कि मैं अपनी ड्यूटी में तैनात थी प्लेटफॉर्म इसी साइड में, तो वहाँ पे एक यात्री था, गाड़ी थी 2488, तो जो गाड़ी डिपार्चर होने लगी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या उसने अपना सामान उसमें रख दिया था कुछ, और लेकिन थोड़ी स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली थी उस टाइम पे, थोड़ा उसका सामान रह गया था। उसके साथ में क्या हुआ, थोड़ा सामान रहने के दो यात्री थे वो साथ में, और एक तो अंदर चला गया था लेकिन दूसरा उसमें रह गया था। जैसे ही वो चढ़ने के लिए लगा तो उसके पैर नीचे की तरफ उसके लटक गए थे, थोड़ी स्पीड में ही थी गाड़ी, तो उसके बाद में फिर उसकी जैसे आवाज़ें चिल्लाने की कुछ यात्रियों की, तो फिर मैं दौड़ के गई उस टाइम पे और फिर उसको बाहर खींचा उसकी तरफ, उसके बाद फिर गाड़ी में उसमें चढ़ा दिया उसके बाद। खबर बस्ती से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने बस्ती सदर विधानसभा के पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचे। जनसभा के दौरान पीएम ने सपा और कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद पर जमकर हमला बोला, और साथ ही उन्होंने गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाने की बात भी कही। बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। सिद्धार्थनगर जिले में मतदान 3 मार्च को होना है, ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर वोट मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डुमरियागंज से जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी पवन पटेल के पक्ष में बिहार से स्टार प्रचारक के रूप में आए बिहार प्रदेश महासचिव अशोक कुमार बादल भी जमीन पर उतर गए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लोगों से बिहार में हुए विकास के बारे में बात कर वोट की अपील कर रहे हैं। अशोक बादल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने बिहार में विकास किया है और विकास के मुद्दे पर हमने उत्तर प्रदेश में अपने 28 प्रत्याशी उतारे हैं। अगर जनता उन्हें चुनती है तो हम जिस तरह बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी विकास करेंगे। हमारी पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड बहुत पुरानी पार्टी और हम लोग लगातार सरकार में और हमारे नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संदेश है सबका साथ और सबका विकास, हमारे यहाँ दलगत राजनीति नहीं, हम लोग पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित अगड़े सबों को साथ लेकर के यहाँ एक अच्छा समीकरण के तहत निरंतर सरकार में कायम है। हम लोग उसी के तहत बिहार में से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में 28 जगहों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया और हम लोगों का एक उद्देश्य है कि यहाँ जिस तरह से अन्य पार्टियां यहाँ के पिछड़ों और दलितों और महादलितों को जो। खबर मिर्जापुर से है, जहां नदिहार गांव के निवासी त्रिभुवन सिंह का बेटा यूक्रेन के जारी जंग में फंस गया है। आपको बता दें, छात्र के माता पिता ने अपने बेटे के सकुशल वापसी की कामना करते हुए भारत सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है। हमारे बेटे गए हैं MBBS की तैयारी डॉक्टरी करने, तीसरा साल है ऐसू, टिकट हुआ था आने को मगर बीच में युद्ध छिड़ गई, क्यू में फंसे हुए हैं, बंकर में रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था 2-4 दिन के लिए लिए थे, अब ख़त्म हो रहा है,
इसीलिए परेशान हो रहे हैं। कब सोच रहे हैं कब वापस चलें घर? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही सरकार से विनती है कि हमारे बेटे जल्द से जल्द वापस आ जाएं, इंडिया आ जाएं, यही गुजारिश है। जिलाधिकारी साहब की बात हुई मिर्जापुर जिलाधिकारी? अभी नहीं, अभी किसी कोई अधिकारी आया था? अभी कोई नहीं आया था, किसी से बात नहीं हुई। अमन क्या बताते हैं वहाँ पे? क्या वह मन बताते हैं कि हम लोग सरकार पर टिके हैं, जब सरकार भेजेगा रास्ता निकालेगा तब हम लोग आएंगे। अभी दो फ्लाइट गई थी तो बाहर की गई हैं बॉर्डर पर से, अभी उधर कोई रास्ता नहीं है आने के लिए। बच्चा तो यूक्रेन में है, क्यूट शहर में, और समस्या आप सब जान ही रहे हैं कि गोला बारूद वहाँ चल रहा है, लड़ाई युद्ध हो रहा है। खाना पीना थोड़ा बोल लिए थे, वो भी अब समाप्ति कगार पर है। खबर मऊ से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस नेत्री अनीता गौतम को मोहम्मदाबाद का कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसी दौरान अनीता गौतम ने कांग्रेस प्रत्याशी बनवारी राम के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। खबर फतेहपुर से है, जहां अतर्रा से धान लादकर वापस आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गया। परिजनों को पता चलते ही सूचना पर पुलिस को दी गई और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों से मदद ली और दिखाई दे रहे शवों को निकलवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बीती रात एक धान लदा ट्रक इस पुल से ले जाने का चालक द्वारा प्रयास किया गया, जिसमें वो ट्रक जो है पीपे के लोड बर्दाश्त न कर पाने के कारण बाईं तरफ की रेलिंग टूट जाने से वो पलट गया नदी में, और यमुना नदी के उससे जो है वो उसके एक शव निकाला गया है। अब ये शव चालक का है अथवा धान के व्यापारी का या खलासी का, यह स्थिति जो है वो ट्रक नंबर की जानकारी होने के उपरांत ही की जा सकती है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर पुलिस व्यवहार में बदलाव नहीं आया है। मध्य प्रदेश के वैभव श्रीवास दर्शनार्थी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और उसके गर्दन को पकड़कर परिवार के सामने घसीटते हुए मंदिर से बाहर ले गए। ये वीडियो वायरल हुआ है। दर्शनार्थी का आरोप है कि वो परिवार के साथ दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की करके पुलिस उसे हटा रही थी। ये घटना देखकर सभी दर्शनार्थी हैरान हो गए। खबर संभल से है, जहां पर नरौली से आगे सराय अड्डे पर एक गरीब व्यक्ति पकौड़ी का ठेला लगाता था। एक बुलेट सवार ने पीछे से युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही ठेले वाले की मौत हो गई। जब मृतक के गांव सरथल खेड़ा में सूचना मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। अब उस परिवार के ऊपर संकट खड़ा हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव में थे जी, तो हमें पता लगा कि हमारे गांव की मोटरसाइकिल चंदोसी से जा रही थी जी। उसने देखा कि ये पकौड़ी वाले तो हमारे गांव के ही हैं जी। बुलेट से ये टक्कर मार के वो नीचे पड़े हुए थे ये जी। और तब गांव को फोन करा, हम गांव से गाड़ी लेके अपनी और आए। प्रताप कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी है 45 से 46 वर्ष करीब। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।